तत्वार्थ रामायण में श्री शिव कथा में सती जी को आज ये ज्ञान भक्ति की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। सती जी ने कहा, पुत्री का पिता के घर जाने के लिए कितना मन होता है, वहां जाने से उसको कैसा सुख मिलता है, उसको तुम्हारे जैसे ज्ञानी क्या समझते हैं। सती जी जाने का आग्रह करने लगी। शिव जी सती जी को समझाने लगे, देवी तुम वहां मत जाओ, यज्ञ का तो केवल निमित्त है, मेरा अपमान करने के लिए ही ये यज्ञ किया गया है। तुम्हारे पिताजी ने पहले भी मुझे गाली दी थी। तो सज जी कहने लगी, मेरे पिता गाली नहीं दे सकते, तुमने जो कुछ किया होगा। शिव जी तुम्हारे पिताजी सभा में आए। शिव जी कहने लगे, तुम्हारे पिताजी सभा में आए उस समय सभी खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ, इसी कारण से गाली दी थी। तो सती जी कहने लगी, आप खड़े क्यों नहीं हुए, प्रणाम क्यों नहीं किया। तो शिव जी कहने लगे, संत जन शीर को मान नहीं देते, ये शीर जिस कारण से सुंदर लगता है उन परमात्मा नारायण को मैंने मन से प्रणाम किया, मैंने उनका अपमान नहीं किया। तो सत्य जी कहने लगे, महाराज ये तो ज्ञानी पुरुषों की परिभाषा है, पिताजी के अंतर में विराजे हुए अंतर्यामी को आपने प्रणाम किया, मेरे पिताजी को उसकी खबर नहीं हुई और उन्होंने कदाचित कुछ क्रोध किया हो तो उस सब को आप भूल जाइए। तो शिव जी कहने लगे, मैं तो भूल चुका हूं, परंतु तुम्हारे पिताजी नहीं भूले हैं, तुम वहां मत जाओ, मैंने तो अपमान सह लिया परंतु तुम सहन नहीं कर सकोगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोलू ना संदेह, तद्पि विरोध मान जहां कोई, तहां गे कल्याणु ना होई, भांति अनेक संभु समझावा, भावी बसना ज्ञानु उर आवा। सत्य जी के मन में पीहर प्रेम और पति प्रेम के बीच खींचतान चलने लगी। सती जी ने अंत में निश्चय किया कि पिता और पति के मध्य मुझे विवेक से समाधान कराना है, करना या ना करना ऐसे शंकर हो जावे तो उस काम को नहीं करना चाहिए। करना या ना करना अगर ऐसी शंका हो जाए तो उस काम को कदापि नहीं करना चाहिए। घर में झगड़ा हो तो उस दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घर के वास्तुदेव शाप देते। घर के लड़कों को 2-3 बार कहो फिर भी ना माने तो छोड़ दो, कितने ही ठोकर खाते हैं तभी मानते हैं। सती जी मानी नहीं, चल पड़ी। शिवजी ने नंदिकेश्वर को इशारा किया, नंदिकेश्वर दौड़ते हुए माता जी के पास गए, कहा, मां मेरे ऊपर विराजो, पैदल चल करके जाना उचित नहीं है। सती जी नंदिकेश्वर पर विराज गई, श्रृंगी भृंगी गण साथ में चले। शिव जी जानते थे कि सती जी अब वापस नहीं आएंगी। सती जी के मन में भी खटका हो रहा था। सती जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, सभी देवताओं ने उठकर के शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती जी ने किसी पर दृष्टि डाली नहीं, दक्ष को प्रणाम किया, दक्ष ने मुख मोड़ लिया। सती जी को शंका होगी, उन्होंने चारों तरफ देखा, यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की पूजा हुई है परंतु शंकर भगवान जी को एक सुपारी तक नहीं रखी गई। सती जी को पतिदेव का अपमान असह्य लगने लगा। जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है वह शव समान है। सती जी की आंखें लाल हो गई, केश फैल गए,
सती जी ने बड़ी दिव्य बात कही, तुम शिव के साथ वैर करते हो। ज्ञानी पुरुष शिव की आराधना करके महान होते हैं, काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को क्या समझ सकते हैं। शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है। पिताजी, तुम जो शिव जी की निंदा करते हो यही अच्छा है, अन्यथा तुम्हारा विनाश किस प्रकार संभव हो। अंतकाल में सती जी ने क्रोध छोड़ दिया, पद्मासन जमावा, पद्मासन लगा लिया, प्राण अपान को समान में मिला लिया, कंठ में से ऊपर खींचा, मन के साथ मन को प्राण में लीन किया, प्राणपति शिव जी का ध्यान किया। सती जी महान योगिनी हैं, अंतिम संकल्प किया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्मांतर तक शिव जी ही मेरे पति हों, मैं पतिव्रता हूं, परंतु पति की आज्ञा को मैंने भंग कर दिया, अब इस शरीर को मुझे त्याग देना है। सती जी ने अग्नि तत्व की भावना की, अंदर से ही अग्नि प्रकट हो गई, माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ, नारद जी कैलाश पर गए। शंकर भगवान तो सनक आदि ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे, अंगूठा ब्रह्म है, अंगूठे के पास दो उंगली हैं वह जीव हैं, बाकी की तीन उंगलियां सत्य रज तम ये तीन गुण हैं। नारद जी वहां आकर के रोने लगे। शिव जी ने रोने का कारण पूछा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुछ हो गया था नारद जी ने उसकी कथा कही। सुनकर के शिव जी ने स्मित हास्य किया। शिव जी को सुख अथवा दुख होता नहीं, वे तो आनंद में हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ, इनको तो कुछ व्याप्ता ही नहीं है। तो सती जी को प्रज्वलित होने की शक्ति शिव जी की दी हुई थी, शिव शक्ति को अन्य कोई भी जला सकता नहीं। नारद ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने को कहा, शिवजी ने मना किया। शिवजी को क्रोध आता नहीं, शिवजी को यदि क्रोध आ जाए तो संसार बचे ही नहीं। नारद जी ने कहा, महाराज आपके गणों को भी पीटा गया है। उस समय शिवजी को थोड़ा क्रोध आया, शिवजी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र का रौद्र रूप देख करके नारद जी घबराने लगे। शिवजी ने वीरभद्र को आज्ञा दी, परले का ये समय नहीं, दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने शिवजी की आज्ञा का अविलंब पालन किया, दक्ष का माथा काट डाला, यज्ञ को विध्वंस कर डाला। देवताओं ने शिवजी की स्तुति की, शिवजी क्रोध भूल गए, यज्ञ मंडप में पधारे, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया, दक्ष प्रजापति जीवित हुए, उन्होंने शिव जी की स्तुति की, यज्ञ परिपूर्ण हुआ। हरिद्वार के पास कनखल जहाँ है वहाँ दक्ष प्रजापति ने ये यज्ञ किया था, उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में पार्थिव रूप से प्रकट हुई, केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है, उस स्थान पर पार्थिव जी ने अलौकिक तपश्चर्या की। पार्थिव जी का दृढ़ संकल्प रहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरुण शंभु ना तो रऊ कुमारी। देवताओं ने शिवजी से विवाह करने का आग्रह किया, शिवजी समाधि में स्थित थे, उसी समय उन्होंने कामदेव को भेजा, शिवजी ने कामदेव को जला डाला। शिवजी ने विवाह से पूर्व ही कामदेव को जला डाला। शिवजी को समझा करके देवता हिमालय के पास गए। पार्थिव जी का शिवजी के साथ विवाह निश्चित हुआ, शिवजी की बारात जुड़ी,
नारायण भगवान जी की बहुत इच्छा थी कि आज शिव जी मेरा श्रृंगार धरें। उन्होंने शिव जी से कहा, आप बाघांबर मुझे दो और मेरा पीताम्बर आप पहन लो। तो शिव जी ने कहा, मैं शेर का श्रृंगार करता नहीं, बस मानतम श्री राम, ये शीर तो भस्म है, ये जीव उसको बहुत संभालता है, परंतु ये एक दिन भस्म हो ही जाता है। शिव जी शमशान में विराजते हैं, शमशान ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है, तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो कि शीर शमशान में जाएगा और भस्म बनेगा। विवाह के लिए जाते समय शिवजी ने तो बाघांबर ही धारण किया, गले में और हाथों में सर्प धारण किए। शिवजी उस आनंद स्वरूप में स्थित हैं जहाँ दुख नहीं है, सुख नहीं है, अपमान नहीं है। अंत में भगवान नारायण ने नारद जी से कहा, शिवजी श्रृंगार करें, ऐसी कोई युक्ति करो। तो नारद जी हिमालय गए, वहाँ की शोभा अलौकिक है। हिमाचल राज तथा मैना जी ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, कन्या किसे अर्पण कर रहे हो? तो रानी ने कहा, बहुत बड़ा देवता है। नारद जी हंसने लगे। मैना जी से उन्होंने पूछा, आपने अपने जमाई को तुमने देखा है? तो मैना जी ने कहा, नहीं। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें देखना हो तो चलो मेरे साथ। बारात जिस मार्ग से आ रही थी वहां नारद जी मैना जी को लिवा ले गए। एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। देव गुरु बृहस्पति को देख करके मैना जी नारद जी से पूछने लगे, यही जमाई है क्या? नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके पुरोहित है। उसके बाद इंद्रदेव आई। मैना ने पूछा, क्या ये मेरे जमाई हैं? तो नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो इनके मुनीम हैं। उसके बाद नारायण भगवान जी दिखाई पड़े। मैना जी ने फिर पूछा, ये मेरे जमाई हैं? तो नारद जी ने ठोड़ी घुमाई, ये तो उनके मित्र हैं। उसके बाद शिव जी की सेना आई, कितने ही तो उसमें नंगे ही थे, नगन अर्थात वासना रहित। शिव कृपा से वासना का विनाश होता है। सेना के पीछे शिवजी स्वयं पधारे, नंदिकेश्वर के ऊपर विराजे हुए हैं। वक्ष स्थल पर रुद्राक्ष की माला है, राम 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 जप चल रहा है, अत्यंत शांत शिव स्वरूप हैं। मैना जी को ये ठीक लगा नहीं, क्या ये है मेरे जमाई? तो नारद जी ने कहा, तुम इनको मना कर दो, मैं अन्य अच्छा सा देवता ढूंढ करके ला देता हूं। मैना जी रोने लगी। उन्होंने रनिवास का द्वार बंद कर लिया और पार्थी को लेकर के अंदर बैठ गई। बारात द्वार पर आ गई, परंतु कोई सम्मान करने को उपस्थित नहीं था। शिव जी ने नारद जी को पकड़ करके बुलाया और कहा, मेरी फजीहत कराते हो? तो नारद ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने जो कुछ किया है वह नारायण के कहने से किया। महाराज, आज विवाह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाह नहीं होगा। तो शिवजी ने क्षण मात्र संकल्प किया और नारायण का समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया और शिव जी का समस्त श्रृंगार नारायण के पास पहुंच गया। कर्पूर गौरम करना अवतारम, नारद जी को आनंद हुआ, वे दौड़ते महल में गए और दरवाजा खुलवाया। जब शिव जी का दर्शन हुआ तो मैना जी ने अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप देखा, जिसकी कामना ने स्पर्श नहीं किया है वही सुंदर है। मैना जी को आनंद हुआ, मेरी पुत्री भाग्यशाली है। एक क्षण मैना जी ने सोचा कि अगले जन्म में मुझे भी ऐसा वर मिले तो कितना सुंदर।
सास जमाई का लौकिक संबंध वहां नहीं। जीव की शिव स्वरूप होने की इच्छा का ही ये द्योतक है। शिव पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ, सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजे हुए हैं। पानी ग्रहण जब कीना महेशा, ही हर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। जब ही शंभु कैलासी आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। शंकर जी कहने के पार्वती जी कैलाश धाम में आई, शंकर पार्वती जी कैलाश धाम में आई। शंकर जी पार्वती जी को राम कथा श्रवण कराते हैं, मंगल में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, शंकर भगवान जी कहते हैं आदि नारायण परमात्मा ही श्री राम है। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और परमात्मा सगुण साकार भी है। अपने वेदों में उपनिषदों में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन जहां आता है वहां यही आज्ञा हुई है कि भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। परमात्मा के इन दोनों स्वरूपों का जिसको ठीक ज्ञान हो चुका है वही माया का पर्दा दूर कर सकता है, उसी को परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। जिसको उभय स्वरूप का अनुभव हो चुका है उसी को भक्ति सफल है। उपनिषदों में वर्णन है भगवान जी के हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, मस्तक नहीं, वे निराकार हैं। परमात्मा की आंख नहीं फिर भी सब कुछ देखती, बिनु पद चली सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित सकल सरस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। ऐसा सर्वव्यापक परमात्मा आंख द्वारा नहीं दिखाई देता, उसका अनुभव बुद्धि से होता है। दृष्टे सबग्रया बुद्ध्या, निर्गुण निराकार का अनुभव करो। ऐसा अनुभव जो प्राप्त कर लेता है उसके द्वारा पाप नहीं होता। सर्वत्र भगवान जी हैं, मैं पाप कहाँ करूं? देश काल की उपाधि परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा व्यापक है, शीत व्यापक है, जो एक ठिकाने रहता है उसे व्याप्य कहते हैं। जो आज है कल भी था और भविष्य में भी रहेगा उसे व्यापक कहते हैं। वही परमात्मा है, वह सर्वकाल में है तथा सभी ठिकानों पर है। तुम जिस देवता की पूजा करते हो वह क्या केवल तुम्हारे ही घर में बैठा है? अरे वह तो सर्वाधार है। ऋषियों ने परमात्मा का ऐसा अर्थ किया है कि जिसमें सभी समा जाएं, परंतु जो स्वयं किसी जगह ना समा सके। यह पृथ्वी जल के आधार पर है। पृथ्वी की अपेक्षा जल तत्व 10 गुना बड़ा है। जल की अपेक्षा तेज, तेज की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, तत्व 10 गुना बड़े हैं। और आकाश का निवास परमात्मा में है। परमात्मा सबके आधार है। परमात्मा का कोई आधार नहीं है। जो सबका आधार, जिसका कोई आधार नहीं उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा सबसे महान है और अत्यंत सूक्ष्म भी है। निराकार परमात्मा का अनुभव करो और साकार भगवान जी से प्रेम करो।
कितने ही ज्ञानी पुरुष साकार भगवान जी की भक्ति नहीं करते, ये बड़ी भूल करते हैं। अपने शीर में भगवान है परंतु माया के आवरण में है। निर्गुण परमात्मा तो दीपक के समान है, दीपक के प्रकाश में ताला तोड़ करके चोरी करो अथवा रामायण पाठ करो। दीपक का प्रकाश कुछ भी करता नहीं है, उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा भी किसी को भी पाप करने से रोकता नहीं। जो कुछ भी कर सकता हूं वह साकार परमात्मा ही कर सकता है। निग्रह और अनुग्रह करने की शक्ति श्री राम श्री कृष्ण में ही है, निर्गुण परमात्मा में नहीं। सूर्प नखा को सजा साकार परमात्मा ही देते हैं, शबरी जी को दिव्य गति भी साकार परमात्मा ही देते हैं। साकार परमात्मा की प्रेम से पूजा करो। रामायण का उद्भव साकार और निराकार के झगड़े से हुआ। सती जी कहती हैं, निर्गुण निराकार भगवान सगुण साकार परमात्मा होते हैं, इसको किस प्रकार माना जाए? तो शिव जी कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बर्फ ही पानी और पानी ही बर्फ भी हो जाता है। जल और बर्फ में जिस प्रकार भेद नहीं है, उसी प्रकार निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं। सगुण परमात्मा के साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको माया के बंधन से मुक्त कर देगा। व्यवहार को शुद्ध करने के लिए निर्गुण निराकार का अनुभव करो, परंतु निर्गुण निराकार तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे नहीं। कृपा सगुण साकार परमात्मा करते हैं, वे दयालु हैं, उनको दया आती है। निर्गुण निराकार भगवान दयालु नहीं, निष्ठुर भी नहीं। दीपक के प्रकाश में कोई हंसे अथवा रोए, दीपक का प्रकाश निष्ठुर भी नहीं, दयालु भी नहीं, उसका तटस्थ भाव साक्षी भाव है। श्री राम साकार ब्रह्म है, निर्गुण निराकार में जो शक्ति है वही सगुण साकार में। तत्व से दोनों एक ही हैं। परमात्मा मानव कल्याण के लिए मनुष्य जैसा स्वरूप धारण करते हैं और मनुष्य जैसी लीला करते हैं। परमात्मा की लीलाओं का विचार जीव स्वयं की बुद्धि के अनुसार करता है। रामायण अनेक हैं, उनमें अनेक प्रसंगों में अनेक वर्णन हैं। किसी रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि विवाह के पश्चात राम जी सीता जी के साथ अयोध्या पधारे। श्री सीता जी को श्री राम जी के चरणों की सेवा करते करते मन में थोड़ा अभिमान जाग गया। राम जी को अपेक्षाकृत मैं सुंदर हूं, मैं कोमल हूं, अभिमान जीव का पतन करने वाला होता है। भक्ति करो किंतु अभिमान को छोड़ो। अहम यदि बढ़ जाता है तो समझना कि भक्ति में भूल हुई है। सभी प्रकार के दोषों को परमात्मा क्षमा कर देते हैं। परंतु अभिमान परमात्मा से सहन होता नहीं है, इसका भार उन्हें अत्यधिक लगता है। सीता जी राम जी के चरणों की सेवा करती थी, सीता जी चरण दाब रही थी, परंतु परमात्मा को आज सीता जी के हाथ का भार सहन नहीं हो रहा था। चरण अत्यंत ही कोमल बन गए। मक्खन के ऊपर हाथ टिकाओ तो उस पर गड्ढा बढ़ जाता है। आज परमात्मा का श्री अंग माखन से भी अधिक कोमल बन गया। उन्होंने सीता जी से कहा, तुम्हारे हाथ का वजन मुझसे सहन नहीं हो रहा है। उन्हें अति कोमल श्री राम को कैकेयी ने आज्ञा दी, तब नंगे चरण वन में भी फिरे।
हनुमान जी ने में अत्यंत शक्ति है। एक समय हनुमान जी को भी इच्छा हुई कि राम जी को परिचय दूं कि मुझ में कितनी शक्ति है, इसलिए जोर जोर से राम जी के चरण दबाने लगे, जिससे कि राम जी को कहना पड़े कि बहुत जोर मत लगाओ। राम जी के नेत्र मुदे हुए थे। हनुमान जी सीताराम सीताराम का कीर्तन करते हुए चरण दबा रहे थे, जोर जोर से मुट्ठी भी लगा रहे थे। हनुमान जी की ही मुष्टि से किसी समय रावण रुधिर वमन कर तक कर चुका था। हनुमान जी का नाम है बजरंग, मूल शब्द है वज्रांग। वज्र के समान कठोर अंग वाले हनुमान जी आवेश में चरण सेवा करते हुए मुष्टि पर हार कर रहे थे, परंतु राम जी के तो निद्रा तक भंग नहीं हुई। श्री सीता जी सेवा करें, उस समय राम जी कोमल बन जाते हैं। हनुमान जी सेवा करें, उस समय कठोर बन जाते हैं। श्री राम कोमल हैं या कठोर हैं, श्री राम दयालु हैं या निष्ठुर हैं। शंकर भगवान जी पार्वती जी से कहते हैं, राम अतिकर्यम बुद्धि मन बानी। राम के गुण अनंत हैं। शंकर भगवान पार्वती जी को निर्गुण निराकार और सगुण साकार का स्वरूप समझाते हैं। सगुण साकार परमात्मा प्रेम की मूर्ति हैं। निर्गुण निराकार परमात्मा को किसी पर दया आती नहीं। सगुण साकार परमात्मा किसी का दुख देख सकते नहीं। अपने दुख का अंत बुलाना हो तो श्री राम से प्यार करो। सगुण साकार परमात्मा श्री राम परम आनंद का दान करते हैं, मुक्ति देते हैं। आनंद ही श्री राम हैं। तुम यदि आनंद चाहते हो तो राम जी के साथ प्रेम करो। भक्ति गौण नहीं, भक्ति गौण है। ऐसा जो समझता है उसका पतन होने में देर नहीं लगती। कितनी ही ऐसी शंका करते हैं कि मूर्ति में क्या ईश्वर है। अरे मूर्ति में भगवत भाव दृढ़ करोगे तो मूर्ति ईश्वर बन जाएगी। निर्गुण निराकार और सगुण साकार तत्व में एक ही है भगवान। भक्तों की प्रार्थना पर ही सगुण स्वरूप से प्रकट होती। पार्वती जी को विश्वास हो गया, जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है वे ही श्री राम हैं। उनको अत्यंत आनंद हो गया। महाराज मुझे राम जी की कथा सुनाओ, परमात्मा के अवतार धारण करने का क्या कारण है। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। अति आरथ पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहूं करी दाया। प्रथम सो कारण कहूं बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। भगवान ऐसी कथा सुनाइए कि राम जी में प्रेम जागे। आप मेरे स्वामी हो, जगत के नाथ हो, मेरी बुद्धि अल्प है, मैं समझ सकूं, उस प्रकार से मुझे राम कथा श्रवण कराइए। महाराज श्री राम जी प्रकट हुए, उनका कारण क्या है, राम अवतार का हेतु क्या है। ये सुनकर के शंकर भगवान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। शंकर भगवान जी को पार्थि जी अत्यंत प्रिय हैं। कारण पार्थि जी शंकर भगवान जी को राम की याद दिलाती हैं। समाधि जब जब छूटती है तब तक शंकर भगवान जी पार्थि जी को राम कथा सुनाती। शिव जी को बालक स्वरूप श्री राम बहुत प्रिय हैं। शिव जी कथा का आरंभ करते हुए कहते हैं, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु स्व दशरथ अजर बिहारी। करी प्रणाम राम हित पुरारी, हर्षि सुदासम गिरा उचारी।
शिव जी बाल स्वरूप का स्मरण करते हैं। शिव जी कहते हैं, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, भगवान जी के अवतार का कोई कारण हो सकता नहीं। जय श्री राम।